नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के उपडाकर जरिया में सालों से खराब पड़ा हैंडपंप नहीं दे रहा था कोई ध्यान। मामला हमीरपुर जिले के सरीला क्षेत्र के उपडाकर जरिया का है, जहां पर परिसर में लगा एक हैंडपंप सालों से खराब पड़ा है। ग्राहक व कर्मचारी को पानी पीने बाहर आधा किलोमीटर दूर बस स्टैंड पर जाना पड़ता है। बात करने के कर्मचारी ने बताया कि नल सुधरवाने के लिए कई बार ग्राम प्रधान व सचिव को सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। ताज्जुब की बात यह है कि इस प्रकार के सार्वजनिक जनों को प्यास बुझाने हेतु पानी न होने पर लोग कितना परेशान होते होंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सूचना देने के बाद भी प्रधान सचिव द्वारा क्यों नहीं सुधरवाया गया हैंडपंप। आखिर कब तक प्यासे घूमते रहेंगे डाकघर के कामकाज हेतु जाने वाले क्षेत्र के लोग। बाबूजी, अभी जो है एक ग्रामीण ने बताया कि यहाँ पोस्ट ऑफिस में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? यहाँ का जो नल है वो रिवोर के लिए है, तो पानी की तो बहुत समस्या हो रही है। प्रधान द्वारा भी कहा गया है तो, और सचिव द्वारा भी, सचिव को कहा गया है मौखिक रूप में टेलीफोन के द्वारा, लेकिन उसका कोई निस्तार नहीं हुआ है। नल का रिवोर ही नहीं हो रहा है, तो पानी पीने की बहुत ज़्यादा समस्या। कब से खराब पड़ा है ये नल? ये लगभग एक साल हो गया समथिंग जी। तो प्रधान और सचिव ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सचिव कह रहे कि मशीन नहीं है हमारे पास उपलब्ध हो रही। जी जी, चलिए। क्या समस्या है आपकी? डाक खाने में काम करवाने के लिए आए थे जी, प्यास लगी तो पानी यानी नहा की व्यवस्था है ही नहीं है कुछ, तो दो घंटे से बैठे, अब जा रहे रोड पर पिएंगे पानी। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है पानी पीने की? चलिए, धन्यवाद।